नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजभर एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव रामेश्वर राजभर संघर्ष मोर्चा एक बार फिर आप सबके समक्ष सपा लाओ प्रदेश बचाओ सामाजिक भाईचारा अभियान के तहत समाजवादी संदेश लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज मैं जहां खड़ा हूं, यह विधानसभा जफराबाद का अंतिम छोर और जनपद जौनपुर का ऐतिहासिक स्थल है, जिसे कहते हैं राजेपुर त्रिमोहानी के नाम से। यह स्थान फेमस है और चूंकि यह दो नदियों सई नदी और गोमती नदी का संगम स्थल है, जिसे हम दिखाएंगे इस तरफ जो है, यह संगम स्थल है जहां दोनों नदियां सई और गोमती नदियों का संगम होता है। बगल में आपके यहां पे ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर, जिसे राजेपुर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, शिवरात्रि का प्रतिवर्ष बड़ा मेला यहां पर लगता है और यह स्थान फिल्मी दुनिया में भी फेमस रहा। नदिया के पार जो सुपरहिट भोजपुरी फिल्म रही, उसका लगभग बड़े पैमाने पर फिल्मांकन यही राजेपुर त्रिमोहानी क्षेत्र में किया गया। साथियों, आज मैं संदेश देना चाहता हूं अपने उन माई बहनी काकी दादी को जो इस प्रदेश और देश में मेरी बात को सुन रही हैं या कहीं न कहीं आज के राजनीतिक परिदृश्य में जो मेरी माई बहनी काकी दादी गुमराह हैं, उन सभी को संजय राजभर का सादर चरण स्पर्श ढेर सारा प्रणाम कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनती मैं उनसे कहना चाहता हूँ। जो माई बहनी काकी दादी कहीं न कहीं इस भाजपा सरकार में गुमराह हैं और कहती हैं कि भाजपा ने तो हमें सब कुछ दिया, भाजपा ने हमें जीने के लिए 5 किलो गेहूं, 5 किलो राशन, 5 किलो चावल दिया, हमको नमक दिया, तेल दिया। उन माई बहनी काकी दादी से एक सवाल हम करे चाहत हैला कि 20-25 साल पहले आप मजदूरी करती थी, जो आपकी घर की बहुरिया आई वह भी दिन रात मजदूरी करती थी, और मजदूरी किस पे होती थी, केवल वही 2 किलो 4 किलो 5 किलो, इसी पर पूरी जिंदगी पूरे परिवार की कट जाती थी। और आजादी के 70-72 साल बाद जब हम कहते हैं कि यह डिजिटल इंडिया है, जब हम कहते हैं कि ये देश विश्वगुरु है, दुनिया में अपना स्थान रखता है, तो माई बहनी काकी दादी हम आप सबसे पूछे चाहत हैला कि जब ये देश विश्वगुरु कहा था तो विश्वगुरु कौने खातिर, का खाली जिए खातिर 5 किलो गेहूं, 5 किलो राशन, 5 किलो चावल, और वह कब तक मिली, जब तक चुनाव रही, और चुनाव जल्दी खत्म हो जाए तो हम पूछे चाहत हैला कि 10 मार्च के बाद सारा स्कीम बंद हो जाए, कुल लॉलीपॉप बंद हो जाए, ओकर बाद हम सब गरीब कहां जाए जाए, ये नदी देखा था कायमन डूब के आत्महत्या कर ले जाए, या कहीं जहर खा के मर जाइए गरीब। ये भाजपा सरकार से पूछे चाहत हैला कौन योजना है चुनाव बाद एक गरीबन खातिर। अरे माई बहनी काकी दादी, बहुत दिन ना भयल, नोटबंदी भूल गए शायद तू सभे, कि जवन भी पैसा काट कपट के, चाहे वो आपका आदमी दे लो, चाहे बेटवा दे लो, चाहे नाथी दे लो, क्यों दे ले हो, अरे जन चोरा पचरा के अपने भूत भविष्य पर रखले रहलू, सब तो बुरा न माना, कहीं न कहीं अपने लोगों के बचा के रखले रहलू, कि धन हमारे गरीबी में काम आई, हमारे बुढ़ोती में काम आई, हमारे मुसीबत में काम आई। मोदी बाबा काला धन के नाम पर ओहू के खलिया लेने, और कुल बैंक में जमा करा देने, खाता खोलवाओ न फ्री में, लेकिन भयल का खाता में पैसा न रही तो हर महीना पैसा होकर कटी, मोबाइल का सिम बटन फ्री में कि एक एक बार भरा ले तो 6 महीना बतियावा, मोबाइल के सिम भी हो गल, लेकिन अब का इन्हें 6 महीना बाद साल भर बाद एक जियो उनका चेला हुआ अंबानी, उनका सिम बांट देने जियो, एक दाई भरा हुआ 6 महीना बतियावा, आज सबसे महंगा जियो हो गल। फिर ओके बाद का कहने चूल्हा चौका फोरवा देने, और कहना कि हमारे माई बहनी काकी के आंखी में आंस न आवे चाहिए, धुआं न लगे चाहिए। भैया का कहने, भैया चूल्हा चौका फोरवा देने, गाय गोरु छोड़वा देने, ओकरे बाद गुजरात का कुल सिलेंडर गैस पाइपलाइन फैलल रहल, सिलेंडर कुल भंगार में बचल रहल, वह गुजरात का सिलेंडर कुल लिया के उत्तर प्रदेश में बटवा देने, जवन गैस 400 रुपया मिलत रहल, फिर एजेंसी पर 600-650 मेहमानी खरीदत रहे, 200-250 रुपया उपा जौन हो खाते में हमारे के मिलत रहा,
आज वो गैस कितना मिला था 1000 रुपया में और कितना खाते में आवा था 50 रुपया। अब 50 रुपया के नाते लोग सीधे ब्लैक खरीदत हुए कि भैया 50 रुपया बोले कितना क्यों चक्कर लगाई, एजेंसी पे जा, बैंक में जा, लाइन लगावा, कोरोना पीरियड में लाठी खा, धक्का खा, मुंह पर दुपट्टा बांधा, गमछा बांधा, तब तो 50 रुपया मिली ओप्पा। अब आ जाती सरकार, अरे कड़ुआ तेल जेके कहला कि भैया कुछ हो, गरीब आदमी हो, कुछ ना बची तो कम से कम आलू का चोखा भरता बना ले, आलू का भुजिया बना ले, अरे ओहू बदे कड़ुआ तेल राई तेल चाहिए। आ कितना रहल, उ 70 रुपया 80 रुपया किलो रहल, आज 200 के पार हो गल, कहीं के पार हो गल। ओकर सबसे बड़ा कारण हो कि मोदी का संगी अडानी जवनी रिफाइन तेल सब जने खाले जेकर नाम हो फॉर्च्यून, जेके कहन मीठा तेल पाम तेल, एक सबसे बड़ा देश में अगर के पैदा करे वाला हो तो अडानी, इके कर हुए मोदी का संगी। बंगाल के चुनाव में इतना चंदा देना चुनाव गई ना हार मोदी बाबा, लेकिन अडानी कहने की हमारे पैसा वापस हो चाहिए तो 70 रुपया वाला रिफाइन तेल सीधे 150 के पार, और 150 के पार ना 200 जब पहुंचे लगल, जब रिफाइन तेल डबल सेंचुरी मारे लगल तब कड़ुआ तेल भैया हमारे व्यापारी लोग जो सरसो रखले रहना कहना भाई इसे बढ़िया दिन कौन आई, इो सब 200 पार कर देना कड़ुओ तेल के। अभी बतावा व्यापारी काहे के न बात मानी, हम तू जो ना जब तक फसल हमारे तोहरे पास रही तब तक ओकर दाम एकदम 2 कौड़ी के भाव, जैसे बनिया के पास चल जाई, व्यापारी के पास चल जाई, वो दाम आसमान छुए लगी। ओकर जीता जागता उदाहरण हम आपके बतावत है ला कि आप लोग न भरोसा विश्वास करी है, यह इतनी मेहनत से सरसों पैदा कैलू जो हो और तोहार बनिया कैसे लेना, सीजन में हम खूब जानकारी हो 30 रुपया 35 रुपया किलो, और अब जाए उसे ल तो दुगुना तिगुना भाव। और ओके बदे का कहे ना मोदी बाबा एक नियम बना रहा पहले कि जे भी बनिया व्यापारी अगर कौनो मूलभूत आवश्यकता का सामान, चाहे गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, सरसों हो, आलू हो, प्याज हो, कुछ भी हो, अगर वो अपने क्षमता से ज्यादा अपने गोडाउन में रखी तो ओकरे ऊपर 3/7 का मुकदमा लगत रहल, ISDM या कोनो अधिकारी सप्लाई का जांच करें, और अगर जांच में पाया जाए कि ई भंडारण कैले हुए कालाबाजारी करे बदे एक दाम बढ़ावे बदे तो 3/7 के तहत जेल जात रहल, जमानत ना होत रहल। लेकिन मोदी बाबा के पेट में दर्द होए लगल, अरे किसान तो मरते बन, जे व्यापारी करोड़ों अरबों के चंदा देला वो काई का मरी, तो सबसे बड़ा काम कहना मोदी बाबा 3/7 का कानून हटा देना कि जाओ बेटा किसान से ले धका धक माल, चाहे जितना कालाबाजी करा, चाहे जितना गोडाउन में भरा, तो आज कोनो जांच पड़ताल ना होई, तोरे पर कोनो छापा ना पड़ी, और तू एक किसान का फसल किसान का उपज कौड़ी के दाम खरीदा और एकदम मनमन्ना तरीके से बेचा, तो पूछे चाहत लमाई बनी का की दादी अरे सीने में तोरे दर्द हो एक चाही का यह सपना पल्ले हो कि 5 किलो गेहूं 5 किलो राशन चावल पर मर जाए, जो बेटा के पैदा कैलू का ओके बदे सपना ना हो कि बेटा पढ़े लिखे डॉक्टर वकील इंजीनियर मास्टर बने, कैसे बनी हमें बतावे के प्रयास करा कि जब 5 किलो गेहूं राशन पर जीत लेबू, लेकिन ये कोरोना में स्कूल न जाए बेटा, पढ़ाई होकर न होई, लेकिन फीस पूरा का पूरा देवे के होई, वो फीस कहां से आई आपके बता दें, वो बेटवा बिटिया तो आज बीमार हो गई है, बीमार हो गई है, डॉक्टर के यहाँ जाबू कौनो सुनवाई नहीं हो, उनका दवाई का पैसा कहाँ से आई, पढ़ाई का पैसा, दवाई का पैसा और खेत कियारी का सिंचाई का पैसा वो कहाँ से आई, पेट्रोल डीजल 60 रुपया वाला डीजल 90 रुपया, पेट्रोल 65 रुपया वाला 100, अब बतावा पढ़ाई दवाई सिंचाई और जोताई, पहले हमारे किसान भैया लोग उधारो जुतवा लेते रहना, अब जब 100 रुपया डीजल हो गल तो ट्रैक्टर वाला कहा था पहले डांडे पे खड़ा होके पहले पैसा दे तब तोरे खेत में हिलब ना तो तुहार जुताई ना हुई, अब बतावा जब पढ़ाई महंगी हो गई, सिंचाई महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई, जुताई महंगी हो गई, तो जिंदा कैसे रहू, कैसे रह सब जने,
का मोदी का भाषण सुन के या योगी बाबा का पूजा पाठ हमन कुंड या भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बनल हो ओकर पूजा करके जिंदा रहब कैसे जिंदा रही है दलित पिछड़ पिछड़ा बैकवर्ड। फिर माई बहनी काकी दादी कहते कि मोदी योगी के सरकार ई व्यापारिन के सरकार हो ई पूंजीपतिन के सरकार हो ई देश प्रदेश के लूटे वाली सरकार हो। हम तो है जैसे नदिया बान मछरी मारे खोला तो लोग चारा फेंक देना है कटिया लगावन और चारा लगावन है मछरिया फड़फड़ा के फंस जानी। ऐसे ही योगी मोदी हम बैकवर्ड दलित के हम तो है मछरी समझ ले हुए कि इन्होंने के चारा फेंका 5 किलो राशन चावल का इन्होंने फटफटा के फंस जाई है और हचाहच उठवा ले ले फिर इन्हें के छोड़ दे। अब बतावा बिटिया के ब्याह करबू सब जने अब तो साइकिल के जमाना गयल मोटरसाइकिल चाहिए जमन 60,000 का मोटरसाइकिल 1 लाख में बिकत हो कैसे बिटिया का ब्याह हुई कैसे बेटवा का पढ़ाई हुई कैसे दवाई हुई कैसे सिंचाई हुई कैसे खेते के जोताई हुई। और अगर कुल कई के जोतू बहु ले हलू तो हमारे ओम प्रकाश नेता जी कह बाबा का ललका सांड ई जीए ना देत हुए तो फिर कहा थैला कि 2022 में अगर पढ़ाई फ्री चाहत हुआ दवाई फ्री चाहत हुआ नहर का पानी का सिंचाई फ्री चाहत हुआ और बेटवा बिटिया का मान सम्मान इज्जत सुरक्षित चाहत हुआ सब जने तो हाथ जोड़ के निवेदन हो कि साइकिल के बटन के सामने निशान लगा के और चट्टी चौराहे बैठ के समाजवादी का नारा दे के अखिलेश भैया के हल्ला मचा के मुख्यमंत्री बनेब तब तई लूटपाट से बच पाईबा योगी मोदी से ना तो जान ना बचे वाली हो। और समाजवादी पार्टी के भैया लोग नेता लोगों से कहे चाहता कि टिकट मांगे वाले बहुत लोग होंगे अब ही देखत रहे 15 दिन पहले सब जने खंभा पर चढ़ के टिकट मांगत रहना है वो तो प्रशासन भल भल खंभा के नीचे उतार दे। अब भैया लोग खंभा के नीचे उतर गई ना तो घरे बैठल हुए अरे हम कहत लाई ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात से ना डेरा राजपाट का बात हो अखिलेश भैया के मुख्यमंत्री बनावे के हो समाजवादी पार्टी की सरकार बनावे के हो तो घरे घरे घूम घूम के चौपाल लगा लगा के माई बहनी काकी दादी बड़े बुजुर्ग अगड़े पिछड़े हमारे युवा सभी भाइयों को समझाना होगा बताना होगा और इन पाखंडियों से इन लुटेरों से अपनी जनता को सावधान करना होगा तब तो ये राजपाट बच पाएगा तब तो ये गरीब बच पाएगा तब तो माई बहनी काकी दादी तुम्हारी इज्जत आबरू हमारे जैसे बेटा का मान सम्मान स्वाभिमान बच पाई। नहीं तो ये लुटेरे तो खुलेआम घूम रहे हैं अभी गेहूं चावल बांटत हुए हैं अब चुनाव आई पैसा बटी हैं दारू बटी हैं शराब बटी हैं लुग्गा धोती ब्लाउज बटी हैं लेकिन साफ साफ हाथ खड़ा के कर दे भाजपा के कि भीख ना चाहिए हक अधिकार और राजपाट चाहिए। यही के साथ वीडियो लंबी हो रही है साथियों मैं फिर बताना चाहता हूँ ये ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर राजपुर है ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सई नदी है ये पुल जो है ये पुल जोड़ रहा है राजपुर हरिपुर गांव को। और वीडियो घुमाइए इस तरफ वो उस तरफ से हमारी जो है जहां मैं उंगली दिखा रहा हूं गोमती नदी जनपद जौनपुर से शहर से आ रही है और वो नदी उस पार जो सका विधानसभा हमारा किराकत विधानसभा वहां से शुरू हो जाता है। साथियों तो इन प्राचीन स्थल बताने का हमारा एक उद्देश्य होता है कि आप सभी जनपद जौनपुर खासकर जिस विधानसभा जफराबाद से हम ताल्लुकात रखते हैं उसके प्राचीनतम और प्रसिद्ध स्थलों का आप भी इस वीडियो के माध्यम से इस संदेश के माध्यम से जान सके समझ सके। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम जय समाजवाद जय सुहेल देव जय राजभर जय राजेपुर।